हेलो फ्रेंड्स, कौशल विकास योजना अंतर्गत कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा यहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है जिसमें कि आपको फ्री में ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जो कि ITI और टूल रूम में आपको फ्री में ट्रेनिंग मिलेगा दोस्तों। इसमें कि SC ST OBC आदिम जनजाति और माइनॉरिटी यानी जो अल्पसंख्यक है सभी को इसमें जो है दोस्तों ट्रेनिंग फ्री में दिया जाएगा। इसमें रहना खाना पीना सब कुछ फ्री है दोस्तों। फॉर्म कहाँ मिलेगा, इसको आप कैसे भर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका जो चयन होगा जो उसका आधार है वो क्या है दोस्तों, ये सब जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए क्योंकि आपको सारी जानकारी हमारी वीडियो में मिल जाएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरा नाम है जीशान, स्वागत करता हूँ आपका डिजी क्लास चैनल में। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि हिंदुस्तान का जो समाचार पत्र है उसमें ये आया हुआ है एड, तो मैं इसको दिखाता हूँ आपको बड़ा करके। ये देखिए यहाँ पर दिखा रहा है, झारखंड सरकार कल्याण विभाग द्वारा प्रायोजित अनुसूचित जनजाति यानी ST, अनुसूचित जाति SC, आदिम जनजाति यानी PV TG और अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी अभ्यर्थियों के लिए प्रशिक्षण हेतु विज्ञापन, देखिए तो ये दिखा रहा है, कौशल विकास योजना अंतर्गत कल्याण विभाग झारखंड सरकार रांची के द्वारा झारखंड MSME टूल रूम टाटी सिल्वे रांची एवं जरदाहा दुमका के ट्रेनिंग सेंटर में निम्न योग्यताधारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिम जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के अभ्यर्थियों का निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया। यानी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल आपको रहना खाना पीना और यहाँ पर जो जो ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है। देखिए यहाँ पर दिखा रहा, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप, पहला पॉइंट देखिए ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है, कहाँ कहाँ आपको ट्रेनिंग होगा। ये नाम है जो ये रांची में होगा ये, और दूसरा जो है ये दुमका में होगा। देखिए दूसरा पॉइंट, पाठ्यक्रम का जो नाम है वो क्या क्या है, अनुसूचित जाति एवं जो अल्पसंख्यक के लिए CNC ऑपरेटर / मशीनिंग टेक्नीशियन L3, ये आपको दोस्तों अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक के लिए है। और देखिए अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति के लिए क्या है, वेल्डिंग टेक्नीशियन L3 है। और दूसरा जो ये रांची के लिए है, और जो यहाँ देख रहे हैं दुमका के लिए क्या है, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक के लिए वेल्डिंग टेक्नीशियन L3 और अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति के लिए CNC ऑपरेटर मशीनिंग टेक्नीशियन L3। देखिए तीसरा पॉइंट, प्रशिक्षण की जो दोस्तों जो ड्यूरेशन है, जो अवधि है वो क्या है, वो 12 महीना का यानी 1 साल का आपको ये ड्यूरेशन है। देखिए आगे चलते हैं, देखिए 4 नंबर में क्या है, प्रशिक्षण हेतु पात्रता कौन नंबर, देखिए झारखंड का अस्थायी निवासी होना जरूरी है। और खो में देखिए यहाँ पर आयु जो है 18 से 35 वर्ष तक होना चाहिए उसके बीच में। और देखिए आगे न्यूनतम योग्यता जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन होना चाहिए, यह है रांची में ट्रेनिंग के लिए। और देखिए यहाँ पर सेम चीज़ दिखा रहे हैं, यहाँ पर दुमका में ट्रेनिंग के लिए ये सेम चीज़ है, आपको झारखंड का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये चौथा देखिए यहाँ पर चयन का जो आधार है वो क्या होगा, गणित विज्ञान एवं अंग्रेजी के प्राप्तांक के आधार पर, यानी जो आपको मैट्रिक में आपको मैथ साइंस और जो अंग्रेजी है उसमें जो अंक आया है उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें कि इसका मेरिट लिस्ट बनेगा और आपको ज़्यादा होगा तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। पांचवा जो आय दोस्तों, यहाँ जो आय के जो सर्टिफिकेट है वो आपको जो बनाना होगा, और यहाँ दिखा रहा है आपको कि 2 लाख से कम होना चाहिए साल में इनकम आपके फादर का, तभी ये हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं, वैसे आर्थिक रूप से कमजोर इच्छुक अभ्यर्थी जो उपरोक्त संस्थानों में अध्ययन करना चाहते हैं निम्न निर्धारित परपत्र में, देखिए यहाँ दिखा रहा है आपको, यहाँ पर परपत्र भी दिया हुआ है आपको, यहाँ पर आवेदन का परपत्र, ये चीज़ आप हो सकता है इसको हाथ से भर सकते हैं या इसको टाइप करके भी आप भेज सकते हैं। देखिए इसको कहाँ भेजना है, आप जहाँ करना चाहते हैं, अगर रांची में करना चाहते हैं तो रांची में कहाँ भेजना है आपको, यहाँ देखिए लिखना है 2 में, प्राचार्य MSME टूल रूम प्लांट नंबर 38 फेज 1 टाटी सिल्वे इंडस्ट्रियल एरिया टाटी सिल्वे रांची, आपका पिन कोड ये है, इस पे भेजना है। अगर आप रांची में ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो ये फॉर्म भर के एक इन्वेलपमेंट डाल के यहाँ भेजना है। यदि आप दुमका में करना चाहते हैं तो आपको यही फॉर्म भर के डालना है इन्वेलप में, ऊपर में लिखना है आपको गवर्नमेंट टूल रूम इन ट्रेनिंग सेंटर गांव जरदाहा पोस्ट सहारा थाना तालझारी जिला दुमका पिन नंबर इतना, ये आपका 2 पोस्ट है जहाँ आपको भेजना है जहाँ आप करना चाहते हैं। और दोस्तों ये दिखा दो आपको मेन चीज़, यहाँ पर जो आपको है दिनांक 25/9 यानी 25 सितंबर 2018 तक ये आवेदन आप कर सकते हैं, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। कल्याण विभाग के विद्यालय से मेट्रिकुलेशन पास अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी, अगर फॉर्म ज़्यादा गिरता है तो जो कल्याण विभाग का जो स्कूल है दोस्तों वहाँ से जो मेट्रिक पास किया हो उसको सबसे पहले चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, उसको पहले लिया जाएगा। चलिए आप आगे दिखाते हैं, ये आपका आवेदन का जो प्रारूप है ये आप देख लिए हैं, देखिए दिखा रहा आपको, आप अपने आवेदन के साथ अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र आपको क्या क्या देना है, देखिए अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र,
आय प्रमाण पत्र, यहाँ पर गलती से नहीं छपा है, आय प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रति अवश्य संलग्न करें, यानी जितने भी आपको सर्टिफिकेट है जो दे रहे हैं 10th का, उसका मार्कशीट देना है आपको, किसके अपने साइन से किया हो, यानी सेल्फ अटेस्टेड, और उसमें संलग्न करना है ये फॉर्म के साथ में। स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण पत्र जो है आपको दोस्तों DC या SDO के द्वारा ऑनलाइन प्रमाण पत्र निर्गत होना चाहिए, ठीक है, उसके अगर ऑफलाइन क्या हुआ है तो वो मान्य नहीं होगा, और DC या SDO से नीचे का नहीं होना चाहिए, CO वगैरह का, ठीक, अन्यथा आवेदन पत्र और स्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी संशय की स्थिति में रांची के लिए तो टेलीफोन नंबर, दोस्तों आप रांची में फॉर्म भर रहे हैं तो उसका यहाँ दो फोन नंबर दिया गया है, ये दोनों देख रहे हैं आप मेरे माउस को, इस पर कॉल कर सकते हैं, और अगर आप दुमका के बारे में कुछ जानना चाहते हैं टेलीफोन नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, ये दो को दिया गया है, पर संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। ये था दोस्तों कि फ्री में ट्रेनिंग का पूरा फॉर्मेट, कैसे कर सकते हैं, कैसे फॉर्म मिलेगा, कहाँ फॉर्म मिलेगा, कैसे भर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने वीडियो में बताया है आपको अच्छा लगा होगा, और दोस्तों इसको अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी भर कर फ्री में ट्रेनिंग कर सके और उसके काम आ सके दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और ये बिल्कुल गवर्नमेंट है और बिल्कुल सरकारी है और बिल्कुल फ्री है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को जोर दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।